3:30 बज रहे करीबन, और मुझे निकलना है अभी मैच के लिए। मैच कौन सा? इंडिया बांग्लादेश, जो कि इंदौर में होने वाला है, टेस्ट मैच। एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि भाई रात भर बिल्कुल ही नींद नहीं। अब भाई इतनी एक्साइटमेंट क्यों? क्या है ना, आज से पहले आपके भाई ने कभी भी मैच स्टेडियम में नहीं देखा था, तो यू कैन इमेजिन कि भाई मेरा एक्साइटमेंट लेवल कितना होगा। मतलब बिल्कुल भी नहीं, तो एनर्जी लेवल अभी थोड़ी डाउन लग रही होगी, धीरे धीरे सब हो जाएगा कवर। तो अभी पाथम भाई को कॉल किया हमने जस्ट, वो आएंगे, हम उनके साथ ISBT तक जाएंगे, फिर वहाँ से हमारी 4:45 की बस है, वहाँ से हम इंदौर के लिए निकलेंगे। अब जो है ना, हमें भोपाल से इंदौर जाना है, तो उसके लिए सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि 9:30 बजे मैच है, उससे पहले पहले हमें पहुँचना है। ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब अब लग रही है, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे बहुत कम उठते हैं, तो पता नहीं हमें। और सिर्फ 7 से 10 मिनट लगा है हमें हमारे घर कोलार से ISBT तक पहुंचने में। अभी टाइम है, थोड़ा सेवन कर लेते चाय वाय का। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंदौर। हम जो कल रात को, मतलब हाँ कल सुबह जो हम सोए हैं, उसके बाद हम 2 ही बार उठे हैं, एक तो जब बस स्टॉप पर रुकी थी मतलब ब्रेक के लिए, और डायरेक्ट इंदौर में। मतलब कल रात की जो नींद बाकी थी ना, वो नींद अच्छी खासी पूरी हो गई है, मतलब अब मैच में थोड़ी एनर्जी रहेगी। अब एक और बात ये हुई है कि जिस बंदे के पास हमारी टिकट है, मेरी और पाथम की, वो बंदा कॉल नहीं उठा रहा है, और 1 घंटे में मैच चालू होने वाला है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते, उसके बाद वापस कॉल लगा के देखते कि भाई क्यों नहीं उठा रहे। भोपाल इंदौर पहुँचते ही सबसे पहला काम जो करना है कि भाई पेट को फुल करना, मतलब जितना भी हो सके, क्योंकि जब हम अंदर जाएंगे उसके बाद हम बाहर आ पाए नहीं आ पाए, कब आ पाए हमें नहीं पता, तो भाई जो भी मिले, भले पोहे चने भी मिले, उससे मस्त पेट पूजा कर लो भाई। लाइन अभी ये हो गई है कि हमारा जो गेट नंबर आई है वो हमें पता ही नहीं है, और कोई बताने को भी रेडी नहीं कि कहाँ है, तो पहले अभी गेट ढूंढना है कि कहाँ से अंदर जाना है। अंदर आते आते अच्छी खासा टाइम हो गया, और शायद पहला विकेट गिर गया, और सब एकदम जोश में, और मेरे को लग रहा है स्टेडियम भरा हुआ है। अभी अंदर जाएंगे तो पता चलेगा अच्छे से कि क्या है, कैसी क्या लाइन है। पता चला कि भाई उमेश भाई और ईशान भाई पहले ही खाता खोल चुके हैं, मतलब शुरुआत के जो 2 विकेट थे वो आपका भाई देख ही नहीं पाया। अब भाई जो है ना, शुरू के जो 4 विकेट वो बहुत जल्दी गिरा दिए थे इंडिया ने, मतलब धड़ 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 धड़। उसके बाद जो है ना, मुस्तफिकुर जो आए और खड़े हुए अपने कप्तान के साथ, मतलब बीच में तो ऐसा लग रहा था कि भाई विकेट गिरे गए, रन ज़्यादा नहीं बन रहे थे, लेकिन जो विकेट है वो गिरने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं भाई ना बहुत देर हो गई, कम से कम 45 ओवर हो गए थे, और जड्डू का नामो निशान नहीं था, मतलब जड्डू भाई हमारे बॉल डालने आ ही नहीं रहे थे। टाइट लाइन पहले आके किसने पकड़ी? अश्विन ने। उसके साथ सपोर्ट देने के लिए जड्डू की भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो जड्डू भाई बहुत देर हो गई आ ही नहीं रहे थे, लेकिन जब आए तब लाइन ही कुछ अलग थी। बातों को ज़रा गौर फरमाइएगा, क्योंकि जब विराट कोहली भाई ने बोला कि यार सबका मोरल डाउन होता जा रहा है, मतलब वैसे तो होता नहीं, शोर वगैरह भी कम हो गया, तो भाई विराट भाई ने बोला कि यार थोड़ा चीयर कर दो भाई के लिए। उसके बाद क्या, जब चीयर करना चालू हुए
अपने श्यामी भाई गेंद उठा के देर विकटे पे विकटे। तो अभी सीन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, तो दो गेंद पे दो लगातार विकटे लिए मोहम्मद शामी ने। क्यों ऐसी खतरनाक चेयरिंग हुई है पूरे स्टेडियम से कि भाई हमारे शामी भाई बहुत ज़्यादा ही जोश में आ गए और दो विकटे निकाले। टेंथ विकेट की होड़ चल रही है कि पहले उमेश लेंगे, देखते हैं पहले कौन लेता है। तो इसी के साथ बांग्लादेश की पहली इनिंग जल्दी समाप्त हो गई मात्र 150 रन के स्कोर पे। उसके बाद हमें इंतजार था भाई रोहित की बैटिंग का। उसके बाद क्या भाई, उसके बाद भाई रन बरस रहे थे। एक बार पैर जम गए भाई मयंक भाई के, फिर और पुजारा भाई के, उसके बाद रन बरस रहे थे। तो ये कहानी डे वन की थी, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश होलकर स्टेडियम इंदौर। लेकिन उसके बाद ना हम थोड़े घर आ गए क्योंकि हमारे पास थोड़ा काम था, इस चक्कर में हम घर जल्दी। अगले दिन हमें सुनने में आया कि हमारे मयंक भाई जो खेल रहे थे तगड़े पे, उन्होंने भाई दोहरा शतक मार दिया है। मतलब भोपाल में रह के टीवी पे देख रहे थे, उन्होंने दोहरा शतक मार दिया, मिस कर दिया। कोई नहीं, जितना भी देखा एंजॉय किया, सारे प्लेयर्स देखने को मिले भाई, और क्या चाहिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर ही दो यार देख रहे हो। तो आज का वीडियो इसी बात पे एंड करते हैं। Till then, eat healthy, stay fit, and be happy.